जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग राजनीति शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आज के क्लास में भी हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न 2009 से 2022 तक पूछे गए। और विशेष बात बता दूं मैं आपको, ये पॉलिटिकल साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हम लोगों ने 2 दिन इसके बारे में चर्चा किया था और ये पॉलिटिकल साइंस के वस्तुनिष्ठ का लास्ट लेक्चर है। आप इस तीनों वीडियो को देखकर, तीनों लेक्चर को सुनकर निश्चित तौर पे पॉलिटिकल साइंस के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आईएमएफ के कितने सदस्य हैं? आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कितने सदस्य हैं? तो आईएमएफ में 190 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न, आसियान शैली क्या है? आसियान शैली क्या है? उत्तर होगा, आसियान देशों का सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली। मतलब आसियान एक संस्था है, उसी का सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्यशैली को आसियान शैली कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? उत्तर होगा, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सेंटो की स्थापना कब हुई? तो सेंटो की स्थापना 1955 में हुई। कब हुई? 1955 ईस्वी में। पहले सीटो था, बाद में 1955 में इसका नाम क्या हो गया? सेंटो पर गया। G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? मतलब G77 में, जी का मतलब यहाँ ग्रुप है, ग्रुप 77 में किन देशों को रखा गया है? दुनिया के जितने भी विकासशील देश है उन्हें G77 में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई? उत्तर क्या होगा? राष्ट्र संघ, जिसे अंग्रेजी में लीग ऑफ नेशन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। राष्ट्र संघ का विचार बुडरो विल्सन ने दिया था। किसने दिया था? बुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के समय, इन्होंने ही विश्व में शांति के लिए शब्द को रचा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। नेक्स्ट है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? उत्तर होगा, दक्षिण कोरिया के थे। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो अमेरिका में। दक्षेस में कितने सदस्य हैं? तो दक्षेस में 8 सदस्य हैं और दक्षेस की स्थापना हुई थी 1985 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अगला है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर क्या होगा? 5। क्या होगा? 5।
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? उत्तर होगा 1911। और आपको बता दें यूएनओ के संविधान को चार्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूएनओ के संविधान को चार्टर। सार्क का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का 18वां सम्मेलन काठमांडू में हुआ था। सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? मतलब यूएनओ ने सीटीबीटी को कब स्वीकार किया? उत्तर होगा 1996 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई सचिव यूथांड थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दहेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव गुटेरस, पूरा नाम है एंटोनियो एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के है? ये है पुर्तगाल के। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस 21 दिसंबर को मनाते हैं। अगला है, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 1949 में किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई, कब? किसने किया? अमेरिका ने। अगला है, गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? तो गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो दक्षेस, इसी को हम सार्क भी कहते हैं, तो दक्षेस की स्थापना 1985 में कहाँ हुई? ढाका में हुई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ, और यह रेखा 1947 में खींचा गया था। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? किसके सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? उत्तर होगा सुरक्षा परिषद। अगला है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्य 50 हैं, उसमें भारत भी हमारा था। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? उत्तर होगा महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 10 हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। विश्व के नेक्स्ट है, विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? मतलब विश्व का अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो व्यापार की देखरेख करता है, उसका नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन, मतलब WTO। इसका गठन 1 जनवरी 1995 को किया गया था, और जेनेवा में इसका क्या है? मुख्यालय है। नेक्स्ट है, कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो यूनिसेफ, ऑप्शन के अनुसार क्या था? यूनिसेफ। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। भारत ने परमाणु और परमाणु संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया? मतलब भारत ने सीटीबीटी का विरोध कब किया? 1995 ईस्वी में किया, क्योंकि यह क्या था? भेदभावपूर्ण था, इसलिए भारत ने विरोध किया। भारत परमाणु और परमाणु संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया?
तो भारत ऐसा देश है जिन्होंने सीटीबीटी मतलब परमाणु और प्रतिस्पर्धी प्रशिक्षण नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर है। कौन है? जगदीप धनकर। नेक्स्ट है, परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन है? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं शक्ति संतुलन, गठबंधन की नीति और सामूहिक सुरक्षा। तो परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व हैं शक्ति संतुलन, गठबंधन की नीति और सामूहिक सुरक्षा। नेक्स्ट है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहां से किया था? तो राजस्थान से, सॉरी पोखरण से। और पोखरण कहां है? तो राजस्थान में है, क्योंकि भारत में परमाणु का परीक्षण राजस्थान से ही होता है। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू आपको बता दें, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। जब झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो वहां की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ही बनी थी। किस संधि ने परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित कर दिया? किस संधि ने परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित कर दिया? उत्तर होगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का के तत्वाधान में निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना? मतलब प्रश्न है, निःशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किसके ऊपर है? तो विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद के पास है। किस पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को विश्व राजनीति का केंद्र मान लिया गया? तो 1992 के जो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो साला में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, इसमें पर्यावरण को विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु मान लिया गया। स्टॉक होम सम्मेलन संबंधित है, तो स्टॉक होम में सम्मेलन 1972 में हुआ था और यह जुड़ा हुआ किससे है? पर्यावरण से। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर होगा स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है? तो भारत का वायु प्रदूषित नगर मुंबई, कोलकाता और कानपुर है। कौन है? मुंबई, कोलकाता और कानपुर, तीनों ज्यादा प्रदूषित है। कौन पर्यावरणविद नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार केजरीवाल नहीं होंगे, क्योंकि केजरीवाल क्या है? राजनीतिज्ञ है और वर्तमान में दिल्ली के क्या है? मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के क्या है? संस्थापक भी है। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ? तो 1955 में वाडुंग शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। 1992 ईस्वी में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील का शहर है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट है, किस कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना किया? किस कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना किया? उत्तर होगा तिवारी कमेटी। कौन होगा? तिवारी कमेटी। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को क्या है? गांधी जयंती। और गांधी जयंती के साथ साथ शास्त्री जयंती, वे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयामों की पहचान किसने किया? तो वैश्वीकरण के 4 आधारभूत आयाम की पहचान IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्वीकरण के 4 आयामों की पहचान किया था। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टीका है? तो भूमंडलीकरण उदारवाद पर टीका है। भूमंडलीकरण किस पर टीका है? उदारवाद पर। अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब की गई? तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में की गई। कब की गई? 1948 में। अगला, पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1954 में किया गया, इसके अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। 1974 ईस्वी के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 ईस्वी के रेल हड़ताल के नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे।
बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो छात्र आंदोलन की शुरुआत बिहार से हुई थी। अगला है, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व किया? 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व किसने किया? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, मतलब बीपी सिंह ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला? उत्तर होगा बिहार। सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला? उत्तर क्या होगा? बिहार में। केशवानंद भारती मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया? तो आपको बता दें, केशवानंद भारती मुकदमा 73 में आया था, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान के मूल ढांचा में संशोधन नहीं कर सकती है। अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी? उत्तर खालिस्तान। क्या नाम था? खालिस्तान एक नया राज्य का डिमांड वो कर रहे थे। क्षत्रिय दल के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्षत्रिय दल के उदय का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के नेतृत्व का पतन है। क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। पूना पैक्ट संबंधित है? पूना पैक्ट संबंधित है, उत्तर होगा दलित वर्ग से। किससे है? दलित वर्ग से। सौराष्ट्र किस राज्य में है? तो सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र किस राज्य में है? गुजरात में। तेलंगाना को किस राज्य से काटकर अलग बनाया गया? तेलंगाना को किस राज्य से काटकर बनाया गया? उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश से काटकर। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य 1974 में बना। कब बना? 1974 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में। 74 में सहवर्ती राज्य बना और 75 में पूर्ण राज्य का दर्जा। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है। कहाँ की है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की पार्टी है। मंडल कमीशन के सिफारिश को किसने लागू किया? तो मंडल कमीशन जो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, मंडल विद्येश्वरी प्रसाद मंडल, इनके रिपोर्ट को बीपी सिंह मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया? तो भीमराव अंबेडकर। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया? भीमराव अंबेडकर। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है? तो क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद। शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है? तो शिवसेना महाराष्ट्र में है। शिवसेना कहाँ है? महाराष्ट्र में। पंचायत व्यवस्था किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस राज्य के संसद को पंचायत व्यवस्था का? तो उत्तर होगा नेपाल। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग किया? किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग किया? उत्तर होगा विशाल आंध्र आंदोलन। क्या होगा? विशाल आंध्र आंदोलन ने, इसमें का आंध्र शब्द छूट गया है। तो किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग किया? तो विशाल आंध्र आंदोलन। बोडो सुरक्षा परिषद किस राज्य का संगठन है? तो बोडो सुरक्षा परिषद असम का है। कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन है? तो नागा नेशनल काउंसिल का नेता अंगामी जापू फिजो। अंगामी जापू फिजो नागा नेशनल काउंसिल के नेता है। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? तो पंजाब का पुनर्गठन 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966 में। देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किस आधार पर किया गया? भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किस आधार पर किया गया? उत्तर होगा भाषा के आधार पर। नेक्स्ट है, 1960 में किस नए राज्य का निर्माण हुआ? 1960 में किस नए राज्य का निर्माण हुआ? उत्तर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। पहले मुंबई अकेला था, मुंबई को दो खंड में तोड़ा गया, एक नाम पर महाराष्ट्र, दूसरे का नाम पर गुजरात। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन
आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से है? आंध्र प्रदेश से। जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड बिहार की पार्टी है। कहां के है? बिहार के। और वर्तमान में नीतीश कुमार इसी पार्टी के नेता है, जो मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत है। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर होगा 74वां। और 73वां द्वारा पंचायत को दिया गया था। किसको? पंचायत को कानूनी दर्जा 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और 74वां के द्वारा नगर निकाय को दर्जा दिया गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। कौन थे? काशीराम। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? आरक्षण कितना? 1/3 या 33%। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत चुनाव में महिलाओं को 1/3% या 33% आरक्षण दिया गया? तो 73वां। अगला है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 में। 23 जनवरी 1897 में कहां? कटक में हुआ था, ओडिशा के कटक में। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को किया गया। कब किया गया? 6 अप्रैल 1980 को। जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी। कब बनी? 1977 में बनी। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कब की गई? तो भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के द्वारा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो आपको बता दें, आर्टिकल 352 या राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में, 1971 में, 1975 में। मतलब 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय, 1975 में छात्र आंदोलन के समय। अगला है, 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को कौन सी घटना घटी? 6 दिसंबर 1992 को कौन घटना घटी? तो बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। किसने? बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है किस देश में? तो लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका में। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है किस देश में? तो उल्फा नामक आतंकवादी संगठन भारत में। उल्फा कहाँ है? भारत में। लिट्टे कहाँ है? श्रीलंका। 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम। कौन थे? बाबू जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। उत्तर क्या होगा? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। क्या होगी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर क्या होगा? एनी बेसेंट। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में कब आया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में अस्तित्व में आया। गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में कब आया? उत्तर क्या होगा? 1961। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ, इस पर हस्ताक्षर किसने किया? मतलब ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, इस पर सिग्नेचर किन किया था? तो पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर
शास्त्री, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 में हुआ। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। और रेखा 1914 में खिंचाया, कहां है? तो अरुणाचल में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, कब खिंचाया? 1914 में। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ? 1996 में। इसलिए तो गंगा जल के बंटवारा के लिए, गंगा नदी के जल के विभाजन को दूर करने के लिए। भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति, गुट निरपेक्षता, विश्व शांति और गुट निरपेक्षता। और अगला प्रश्न है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? उत्तर क्या होगा? बेलग्रेड में। क्या होगा? बेलग्रेड में हुआ था। तो आज के क्लास में इतना ही। ये रहा राजनीति शास्त्र, तो 2009 से 2022 तक पूछा गया महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कल के क्लास में अगले विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।